कुछ भी कहो यार, कोरिया की स्वैग ही अलग होती है। एक सिंपल सी नॉर्मल स्टोरी को भी हमारे सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि सीधा दिल में जाकर बैठ जाती है। इनके कंटेंट बनाने का तरीका, वो लेवल, वो ब्रांड ही सबसे अलग होता है। इनके लेवल का कोई और नहीं। बस यही तो हम कंटेंट लवर को चाहिए, आपके कंटेंट में हमेशा की तरह दम हो। और जिस तरह से कोरिया अपनी इमेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करता है, आने वाले समय में सिर्फ हम ऑडियंस के लिस्ट में कोरिया का नाम टॉप पे होगा। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कोरिया की टॉप 7 सबसे बेहतरीन मूवी का पार्ट 3 लाए हैं, जो आपके मूवी के लिस्ट में टॉप पर होगा। तो बताइए, ऐसी खतरनाक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को मिस करिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। और खुशी की बात है, कुछ ऐसी मूवी के बारे में भी बताएंगे जो इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होगा, जिन्हें हम बोनस मूवीज कहते हैं। तो बोनस मूवी को कभी भी मिस मत करिएगा। अगर आपने प्रीवियस अब तक की सबसे बेहतरीन कोरियन वीडियो का पार्ट नहीं देखे तो उसे भी जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, कोरियन मूवी से लगाव हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए मूवी के थ्रू कोरिया की खतरनाक इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हैं। नंबर 5 की मूवी कोरिया की डायरेक्शन और नेटफ्लिक्स की क्वालिटी कंटेंट हो तो पूछिए मत, मूवी नहीं मास्टरपीस मूवी बनती है। 2021 की नेटफ्लिक्स की तरफ से साइफाई स्पेस एडवेंचर के साथ स्पेस स्वीपर्स। मूवी की स्टोरी 2092 में स्पेस सर्वाइवल पे बेस्ड है। कहानी का ट्विस्ट तो तब आता है जब हमारा हीरो छोटे मोटे चीजों को बेचकर अपना गुजारा कर रहा होता है। तब एक दिन एकदम से हमारे हीरो और उनके टीम को एक कचरे के ढेर में एक ह्यूमन रोबोट मिलता है, जिसे बेचने के बाद खूब सारे पैसे मिलेंगे। मूवी में आपको यही देखना है कि क्या ये लोग ऐसा कर पाते हैं या नहीं, या बात कुछ और होती है। मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट लगी कैरेक्टर की वो कॉमेडी वाला अंदाज, जो हंसाती तो खूब है, और सबसे बड़ी बात वो रफ एंड टफ वाली लीड एक्ट्रेस की स्वैग वाली एक्शन सीन। बस इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगर कैरेक्टर में थोड़ा इमोशन डालते तो ये मूवी बेस्ट होता। पर कोई नहीं, मूवी वन टाइम मस्ट वॉच है, मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी कोरिया की हमेशा से सबसे बड़ा खासियत रहा है कैरेक्टर में इमोशन डाल के हमारे इमोशंस को हीट करती है, भले ही अपने देश में कट्टर दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी दूसरे देश में मुसीबत के वक्त सबसे बड़ा दोस्त होता है। नंबर 4 की मूवी आपको अपनी ट्रू इवेंट से दिखाएगी। 2021 की बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट एक्शन ड्रामा सर्वाइवल के साथ एस्केप फ्रॉम मोगादिशु। मूवी की स्टोरी अफ्रीका सोमालिया के कैपिटल मोगादिशु में एकदम से वहाँ पे सिविल वार हो जाता है। वहाँ फंसे कुछ नॉर्थ कोरियन एंड साउथ कोरियन अपने देश कोरिया आने तक की जर्नी है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होने के बावजूद भी जंग के दौरान वो भाईचारा, वो इंसानियत देखकर मजा ही आ जाता है। मूवी को एक बार देखकर देखिए, मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी यार्सी बोंगजो हो जैसी लीजेंड डायरेक्टर के नाम ही काफी है इस मूवी को देखने के लिए, सीधा देख डालिए। 2006 की कोरिया की सुपर हिट एक्शन हॉरर के साथ बोंगजो हो द होस्ट मूवी 2006 की है, तो ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मूवी में दम नहीं होगा, मूवी के कॉन्सेप्ट में दम है। मूवी को एक बार देखकर देखिए, मूवी MX प्लेयर पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी ने हमें सिखा दिया, चाहे इंसान कितने भी पत्थर दिल का क्यों ना हो, जब फैमिली पे बात आती है ना तो भाई किसी का भी दिल पिघल जाता है। ऐसे ही है नंबर 4 की मूवी 2020 की क्राइम ड्रामा थ्रिलर के साथ इनोसेंस। मूवी की स्टोरी अपने पति के फ्यूनरल के दिन ही पैरासाइट मिला के मरने के इल्जाम में पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अपने पागल बेटे को बचाने के लिए इस मर्डर को कन्फेस करना जब हालात बद से बदतर हो जाती है, तब एक बेटी लॉयर बनके अपनी माँ को इनोसेंट साबित करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाकर लड़ जाती है। मूवी में आपको यही देखना है कि क्या एक बेटी इस क्राइम के पीछे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जाकर अपनी माँ को इनोसेंट साबित कर पाती है या नहीं। इस मूवी को देखिए, लीड एक्ट्रेस की वो एफर्ट और एक माँ और बेटी के बीच की इमोशन आपको हिट करेगी। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, एक ट्राई जरूर दीजिएगा। नंबर 2 की कोरियन मूवी यारी से थोड़ा बच के आप पे हावी हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको अजीबो गरीब मिस्ट्री भूत चुड़ैल काला जादू टाइप मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए। 2016 के एकदम खतरनाक हॉरर थ्रिलर के साथ द वाइलिंग। आंटी ने बताया वो जापानी आदमी भूत है, पूरा खून चूसना चाहता है। एक गांव में अजीबो गरीब मिस्टीरियस ब्रूटल तरीके से लोग मर रहे हैं। ऐसी मिस्टीरियस मूवी में तो ज्यादा कुछ बता देंगे तो स्पॉइलर हो जाएगा। आखिर आपको यही पता लगाना है कि आखिर इस गांव का भयानक मिस्ट्री क्या है और उस मर्डर के पीछे का मकसद क्या है। और जब भाई धीरे धीरे करके सारे मिस्ट्री रिवील होती है ना, तब आप शौक पे शौक होते चले जाते हो, हमारे इस दुनिया के नियम के खिलाफ। अगर इस टाइप का मिस्टीरियस मूवी देखना पसंद है ना तो भाई सीधा देख डालिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मूवी में कोई ऐसा एडल्ट सीन तो नहीं है, बस डरावनी और ब्रूटल सीन के अलावा आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी
हिंदी में अवेलेबल है। नंबर वन से पहले बोनस नंबर टू की मूवी। अगर आपको कोरियन मूवी का सबसे बड़ा खासियत अजीबो गरीब मिस्टी कुछ हटकर खतरनाक शॉकिंग सा देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। 2021 की नेटफ्लिक्स की तरफ से अजीबो गरीब हॉरर थ्रिलर के साथ द एट नाइट एक ट्राई देखकर देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर वन की मूवी। भाई ऐसी लीजेंड डायरेक्टर की मूवी के बारे में क्या बताएं, जिसने एक नहीं दो नहीं चार चार ऑस्कर अवार्ड जीत रखे हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए मूवी किस लेवल की होगी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते मूवी इस लेवल की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिर्फ मूवी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी 2019 की वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट लीजेंड डायरेक्टर बोंग जो हो की पैरासाइट। इस तरह से मूवी के नाम है भाई, मूवी के भेस में पूरी की पूरी मूवी पैरासाइट है। मूवी की स्टोरी एकदम सिंपल है भाई। एक गरीब फैमिली एक अमीर फैमिली के घर में एक एक करके घुसते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर डायरेक्टर ने क्या रिप्रेजेंट किया है यार, शब्दों में नहीं बता सकते। धीरे धीरे करके एकदम खत्म एक दीमक की तरह। ऐसी लेजेंडरी मूवी को अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो बेहिचक अभी जाकर करिए। मूवी में बस एक जगह पे एडल्ट सीन है तो मूवी 18+ है। ऐसी लेजेंडरी मूवी को अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो भाई बेहिचक अभी जाकर करिए, आपके दिमाग पे हावी हो जाएगा। कभी भी मिस मत करिएगा इस मूवी को। ऐसे ही खतरनाक कंटेंट हम ढूंढ के आप तक लाते रहते हैं भाई लोग। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।